जरा गौर से देखिए इस नल को। ये नल कुछ महीने पहले लोगों की प्यास बुझाता था। इस नल के होने से ग्रामीणों को पानी के लिए ना तो गांव से दूर जाकर जाना पड़ता था और न ही पीने के पानी की कोई समस्या होती थी। गर्मियों में ग्रामीणों का एकमात्र ये सहारा था जो अब उनके पास नहीं है। दरअसल मामला बोकारो के कसमार प्रखंड के खुदीबेड़ा गांव का है, जहां ग्रामीणों को सड़क का लाभ देने के लिए जब सड़क का निर्माण हुआ ग्रामीण काफी खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सरकारी सिस्टम उनसे उनका पेयजल का सहारा ही छीन लेगा। गांव में सड़क बनी और नल को उस जगह से नहीं हटाया गया, जिसका नतीजा ये कि नल का आधा हिस्सा सड़क के नीचे ही दब गया। अब ग्रामीण अपनी प्यास आखिर बुझाएं तो कैसे? नल तो चलता है लेकिन पानी की एक बूंद नसीब में नहीं है। वहीं इस मामले पर जब डीसी से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। पानी का किल्लत हो गया गर्मी का दिन। नहीं, जब भी इस तरह का रोड की स्कीम वगैरह बननी चाहिए और या कोई भी स्कीम हो, पब्लिक यूटिलिटीज की जितनी चीज है उसको प्रॉपर वे वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए, रिलोकेट कर देना चाहिए। इसमें भी यही किया जाना चाहिए था मेरे अंदाज से। अगर नहीं हुआ है तो हम लोग फिर उस चापाकल को उसी योजना के जो पैसे हमारे पास है सी स्कीम के तहत नया चापाकल गांव में लगवाया जाएगा उसमें, और जिससे कि लोगों को पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़े। थोड़ा सेंसिटिव होकर लोगों को चीजों को लेने की जरूरत है, मुझे लगता है। विभाग की कहीं ना कहीं गलती है सर। अब हाँ, अगर नहीं शिफ्ट किया है प्रॉपर कोई भी यूटिलिटी का है, शिफ्ट तो करना ही चाहिए, करना चाहिए। सर, 3 से 4 महीने पहले इस रूट को मरम्मती के नाम पर चापाकल को बंद कर दिया गया। जो आप घर है उसको काफी उन लोगों को समस्याएं सामने आ रही है पानी को लेकर, क्योंकि गर्मी का भी दिन है। नहीं, अभी आप बताएं तो इसको हम देखते हैं कि इमीडिएट समाधान क्या है, और फिर जो 3-4 महीने में चापाकल लगाने में बहुत टाइम तो नहीं लगती है, तो उसका समाधान निकाला जाएगा आपका कि पानी की समस्या किसी को नहीं हो। लेकिन स्कीम जब इम्प्लीमेंट होता है तो इस तरह के इश्यूज आते हैं, और स्कीम भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन जो भी यूटिलिटीज है, जो जनता के यूज की चीजें हैं, उसका पहले से व्यवस्था कर लेना अच्छा होता। गर्मी का मौसम और ग्रामीणों से उनका पानी का साधन छीन जाना एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण हैरान परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक विभाग की आंखें खुलती हैं और ग्रामीणों के लिए पीने के पानी का दूसरा कोई बंदोबस्त हो पाता है। ये घटना कहीं न कहीं विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाती है। बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।